आप देख रहे हैं मेम न्यूज और मैं हूं आपके साथ नारायण कुमार। भागलपुर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अध्यक्ष ने डीआरडीए सभागार में की प्रेस वार्ता। वरीय पुलिस अध्यक्ष आशीष भारती ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अयोध्या विवादित मामले पर फैसला आने पर सभी अति संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सभी थाने को हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, लाठी उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर ऐसी कुछ भी असामाजिक तत्व के द्वारा घटना किया जाता है तो थाना के लेवल से ही निपटा जा सके। सभी ग्रुप एडमिन को निर्देश दिया गया है, ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही संदेश भेजे। भागलपुर के सभी लोगों से अपील है, अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। अगर ऐसी कुछ सूचना मिलती है तो जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे और भागलपुर के लोग आपसी सौहार्द से सभी त्यौहार को मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं और हमें लगता है इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी फैसला दिया गया है सभी को मान्य होगा। अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। एमएम न्यूज टीम भागलपुर। कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है उसको लेकर के सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि उसको सभी जो लोग हैं उसको जो पूर्णतः उसका पालन करेंगे जो अच्छी भावना के साथ। और हम लोग विशेष रूप से उसके लिए जो स्थिति है उसको देखते हुए सभी जगहों पर प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी थानों में विशेष करके जो संवेदनशील थाने हैं उनको किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के लिए निर्देशित किया गया है। विशेष करके माइक, पॉलीकार्बोनेट शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी और हेलमेट यह सभी थानों के गाड़ियों में रखने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि अगर कोई विवाद कभी किसी कारण से उत्पन्न होता है तो उसको थाना स्तर से ही उसको डील किया जा सके। साथ में गश्ती, विशेष गश्ती करने के लिए निर्देशित किया गया है। खास करके जो रात्रि गश्ती होती है जो सुबह में लौटती है उसको सभी जो धार्मिक जो धार्मिक मंदिर या मस्जिद है उसको विशेष रूप से चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस पदाधिकारी और बल की कमी है तो इसको देखते हुए चौकीदार की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। खास करके नाथनगर थाना क्षेत्र के ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं और होमगार्ड को भी कॉल अप किया जा रहा है। और साथ में हम लोग सोशल मीडिया पे विशेष नज़र रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे सभी लोगों से यह अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार के अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे और अगर कोई इस प्रकार की भ्रमात्मक बातें आती हैं तो उसको पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे और किसी भी चीज़ को फैलाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे करने वाले लोग और ग्रुप एडमिन दोनों इसके लिए जिम्मेवार होंगे। तो एक उसमें प्रिकॉशन लिया जा सकता है कि जो कोई भी ग्रुप एडमिन है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को सिर्फ ग्रुप एडमिन के द्वारा पोस्ट किए जाने के सेटिंग को कर दें ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कोई गलत तरीके का मैसेज नहीं दे सके। साथ में हमारा अभी मिलादुन्नबी का कल त्यौहार है और फिर कार्तिक पूर्णिमा है 12 तारीख को, तो उसको लेकर के भी हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। सभी ऐसे जो निकलेगी प्रोसेशन जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन रहते हैं तो उनके साथ हम लोग पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं और साथ में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के जो ऐसे संवेदनशील रास्तों से गुजरने वाले मार्ग हैं वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किया था डीएम साहब और हम लोगों ने और अन्य पदाधिकारी भी भ्रमणशील हैं। अभी किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई समस्या नहीं देखी गई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि परिप्रेक्ष्य में विभिन्न जो व्यक्ति हैं तो किसी प्रकार की अशांति न हो, किसी प्रकार का रोग अपेक्षण नहीं हो और कोई भी व्यक्ति जो निर्णय पारित किया गया है उसके संबंध में कोई हर्ष या विरोध प्रकट करने के लिए या निर्णय के पक्ष या विपक्ष में जुलूस, रैली या सभा इत्यादि का आयोजन को जिसमें कि कोई असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसको दृष्टिगत करते हुए पूरे भागलपुर जिले में दिनांक 20/11/19 तक जुलूस, रैली या सभा के आयोजन को निषिद्ध किया गया है और यदि किसी भी प्रकार के जुलूस या रैली या सभा की आवश्यकता होगी तो SDO और कंसर्न SDPO के विशेष परमिशन से ही वह संभव होगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे पहले भी निर्देश दिया जाता रहा है और नया निर्देश है कि इस पर यदि किसी भी तरह के भ्रामक एवं अफवाह से संबंधित किसी तरह की सूचनाएं यदि प्रचारित प्रसारित होंगी तो वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त बच्चों की सुविधा के दृष्टिगत 11 तारीख को विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के लोगों के द्वारा लगातार इंटेंसिव पेट्रोलिंग कराई जा रही है और हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड इत्यादि को तैयार व्यवस्था में रखा गया है। ज्वाइंट ऑर्डर लोगों के द्वारा निकाला गया है जिसमें सेंसिटिव स्थलों की पहचान करते हुए वहाँ पे सीनियर मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस फोर्स को प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संवेदनशील स्थानों की पहचान करते हुए वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की नियुक्ति की गई। थाना स्तर पर निर्देश दिया गया है कि शांति समिति की बैठक छोटे छोटे टुकड़े में भी संपन्न कराई जाए। सभी BDO, SHO और CO को अपने क्षेत्र में रहने के लिए निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने घूम कर भी देखा, काफ़ी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण है और काफ़ी समन्वय का वातावरण है। लोगों से बस यह अनुरोध है कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें। यदि किसी भी तरह की अफवाह फैलती है तो वैसे लोगों को चिन्हित करें और उसकी सूचना दें। अफवाहों से बचने की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है तो जो गलत लोग होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं, वो लोग इस तरह के मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में जो आपसी सौहार्द है, सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण है, उसको बिगाड़ा जा सके। ऐसे लोगों पर सभी लोगों को आगे आ करके नकेल कसने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। हम लोग ये भी अपील करेंगे कि छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना निश्चित रूप से पदाधिकारियों को दी जाए। तमाम पदाधिकारी लगातार लगे हुए हैं, थानाध्यक्ष से लेकर के और पुलिस अधीक्षक या जिलाधिकारी को सूचना दी जा सकती है। तो यदि सब पूरा जो हम लोगों ने भ्रमण किया उसके हिसाब से शांतिपूर्ण माहौल है, वातावरण है, फिर भी लोगों के बीच किसी भी तरह के अफवाह से किसी भी तरह की विकट परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए ये ज्ञापन कदम।